हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस वीरा। दिस इज़ मी नीरज वर्मा। एंड हर वीडियो की तरह अगर इस वीडियो में बोल लूँ तो आप अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ऑब्वियसली थंबनेल पड़े होंगे और इसमें लिखा है पावर सिस्टम फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन। और ऑनेस्टली बोलूँ तो आप जरूर सोचेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में होकर फिफ्थ सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करना है, ये कुछ अलग नहीं हो गया? ऑब्वियसली ये कोई अलग नहीं है। अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो इट्स नॉट माई फर्स्ट इनिशिएटिव। अगर इससे पहले बताऊं तो इससे पहले अगर आपको मैं अपने YouTube पे लेके चलूं तो जब मैं पॉलिटेक्निक मींस जो भी आप पॉलिटेक्निक को समझते होंगे, लेटरल एंट्री को जैसा भी समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैं जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटेक्निक पढ़ रहा था उस समय अगर मैं अपने चैनल का थोड़ा सा रिव्यू दूँ तो 1.07 सब्सक्राइबर विथ 332 वीडियोज़ एज़ वेल एज़ अगर प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँ देख सकते हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में जो आप देख सकते हैं जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में ही बाकी फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ जो आप मशीन टू पढ़ेंगे उसका ऑलरेडी 53 वीडियोज़ अपलोडेड हैं 2 साल पहले। एज़ वेल एज़ PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा जो कि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। तो इट्स नॉट माई फर्स्ट इनिशिएटिव। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दिस काइंड ऑफ वीडियो व्हेन आई वाज इन फिफ्थ सेमेस्टर इन डिप्लोमा। तो क्या मैं बीटेक में एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूं, क्या मैं उसे पूरा नहीं कर सकता? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि पावर सिस्टम फर्स्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर से रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग पढ़ते हैं। तो अगर हमारा बेस ही मजबूत ना हो तो वट वी विल डू? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पावर सिस्टम आप देख सकते हैं पावर सिस्टम केवल 4 ही प्रोसेस में हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले पावर को जनरेट करना, देखिए ये पावर प्लांट होता है, पावर सिस्टम को जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद दूसरा हमारा काम होता है पावर जनरेट हुआ उसको ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करने के बाद पावर सिस्टम देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब हाई टेंशन लाइन है, इसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चौथा प्रोसेस होता है घरों में इंडस्ट्री में इसे यूटिलाइज करना, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। तो यही हमारा पावर सिस्टम है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये हमारा पावर सिस्टम है। और पावर सिस्टम की अगर बात करें तो अभी तक जो मैं ट्रेडिशनल बात करूं, जो मतलब पुरानी ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वे है वो थर्मल पावर प्लांट है। देख सकते हैं ये कोल आ रहा है, कोल से ये हीट बन रहा है और हीट बनने से कोल जलने से कितना ज़्यादा स्मोक बन रहा है और स्मोक ही हमारा एयर पॉल्यूशन का आज सबसे बड़ा मतलब उदाहरण है। तो इसको मतलब ये तो पुरानी जनरेशन की टेक्निक थी, न्यू टेक्निक आप देख सकते हैं ये मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। मतलब इसमें हम बेसिकली हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑलरेडी आई हैव टॉक अबाउट हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ट्रांसमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूटिलाइज, चार ही प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पावर सिस्टम फर्स्ट खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा पावर सिस्टम फर्स्ट हुआ। सो नाउ वी आर नॉट अ ओल्ड जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स, नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ मॉडर्न काइंड ऑफ इंजीनियर। तो हमें उस सोच को बदलना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा थर्मल पावर प्लांट से नया न्यू इट्स क्या कह सकते हैं, ये सोलर पावर प्लांट है, ये विंड पावर प्लांट है। हमें इस पे मतलब अपने आप को स्विच करना होगा क्योंकि पहले जो जनरेशन हुआ है थर्मल पावर प्लांट वो फॉसिल फ्यूल पे था और फॉसिल फ्यूल जो है उसकी डिपेंडेंसी है, आज नहीं कल फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सनलाइट है, जो विंड एनर्जी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मेन मोटिव इज़ टू जस्ट मतलब ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक बूस्टअप करना इन द सेंस व्हाट, जैसे किसी भी चीज़ को अगर मांग चलिए अगर एक सैटेलाइट को अपने अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाना है तो उसको एक स्केप वेलोसिटी होता है जिसे प्लायन वेग बोलते हैं जो कि 111.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वैसे ही एक स्टूडेंट एज ऑफ माइंड एक्सपीरियंस अगर एक स्टूडेंट को जीवन में कुछ अलग करना है तो उसको भी अपने जो एक एरिया है मतलब जो एक उसका लिमिट बना के एरिया रखा है कि हम इससे आगे नहीं सोच सकते हैं, तो उससे उसको आगे सोचना ही होगा तभी वो ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकता है। तो सेम वे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ज़िंदगी में जॉब तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन जॉब करना ही एक मतलब जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मतलब हम जॉब करके ही कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो कुछ अलग करो ना। तो माई मेन इनिशिएटिव यू कैन सी, मतलब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल पहले ही ये सोच रखा था अपने चैनल का नाम वायरलेस हीरा रखा हूँ। इसके पीछे का रीज़न एक ही था, मैं उस समय नहीं मतलब जानता था कि मैं कभी ज़िंदगी में बीटेक भी कर पाऊँगा, लेकिन देखिए स्टिल हाउ आई एम फॉर्चुनेट कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। मतलब ये कितना सौभाग्य है कि मैं उस समय सोच नहीं सकता था और आज मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो क्या अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट्स माई
मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ अलग करूँ, क्योंकि उस समय मैं नहीं सोच सकता था। फिर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मेन इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, केवल मैं जॉब करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ नया सोचूँ, कुछ नया इन्वेंट करूँ। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इस वीडियो में बने हैं, तो एक जस्ट अ काइंड ऑफ आई कैन से मोटिवेशन कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई कैन से इंजीनियरिंग है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, आगे अपने थॉट को ले जा सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नाम वायरलेस एरा रखा, और देख सकते हैं वायर की कितनी डिफिडेंसी है, विदाउट वायर हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सोचा था, देखिए क्या होता है, मैंने अपने चैनल का नाम तो रख दिया, उस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, कितना सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन देखिए, द मेन मोटिव इज़ टू पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का पहला वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, और आई डोंट नो कि वीडियो मतलब अपलोड करने में पूरा सक्षम हो पाता हूँ या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड ईच एंड एवरी वीडियो एज ऑफ ए के ट्यू सिलेबस। मैंने ऐसा पहले काम कर लिया है, मतलब अभी आपको दिखाया कि मैंने मशीन का वीडियो एज वेल एज पावर PLC का वीडियोज अपलोड कर दिया है। लेट्स सी इसका मैं वीडियो अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं। तो अगर मैं सिलेबस पे चलूँ, देख सकते हैं ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, और फर्स्ट वीडियो में अगर मैं सिलेबस पे चलूँ, देखिए ये आपका AK2 का सिलेबस है और ये पावर सिस्टम का सिलेबस है। देखिए पावर सिस्टम फर्स्ट, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहला जो है आप पावर को जनरेट करेंगे, सबसे पहले पावर जनरेट करेंगे फर्स्ट यूनिट में। पावर जनरेट करने के बाद दूसरा काम होगा पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें पावर जनरेट करने के लिए केवल और केवल आप चार ही पावर प्लांट पढ़ेंगे। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भी है, मतलब केवल और केवल पावर कैसे जनरेट होता है, कैसे ग्रिड सिस्टम होता है, कैसे इसे ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब जो हम टावर लेते हैं, जो ही ये टावर देखे होंगे, वो उसमें सबसे क्या होता है, वाइंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, ओवरहेड लाइन क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, इंसुलेटेड केबल क्या होता है। बस हम आपको मतलब ज़्यादा तो इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, इट्स अ इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इन विच जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर उस चीज़ का हमें एम पता हो कि अगर ये हम पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो बस यही फ़ायदा होने वाला है कि पावर सिस्टम फर्स्ट जो है बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी से ही हर एक चीज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिकल का ब्रांच बनेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रिकल जब इतना अच्छा, अगर हमारे पास इतना अच्छा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पावर सिस्टम, तो क्यों ना उसे अच्छे से पढ़ें। और पढ़ना क्यों नहीं, क्योंकि हर एक इस इंजीनियर जो बनते हैं, इंजीनियर का जो मोटिव है केवल पैसा कमाना और जॉब लेना नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली कुछ अच्छा, कुछ अलग करना। और अलग करने के लिए आपको एक जो आपने एरिया बनाया है, कि जैसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशन है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोग कुछ भी कहें, लोग से क्या मतलब, तुम्हें क्या करना है, इट्स डिपेंड। तो ऑब्वियसली अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो लोग क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, आप क्या सोच रहे हो ये मैटर करता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा, कुछ ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ आई नो, लेकिन ऑब्वियसली बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं जानता हूँ कि मैं बीटेक कर रहा हूँ और बीटेक करने में बहुत टाइम लगता है और इसमें मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मुझे मोटिवेशन के लिए एक एस्केप वेलोसिटी से अधिक मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कब मिलेगी, जब मैं अपने आप को इतना ज़्यादा मोटिवेट रखूँगा। आई डोंट नो कि मोटिवेशन कब तक रहेगा, ये मोटिवेशन कब डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि पावर सिस्टम फर्स्ट की वीडियो मैं अपलोड करूँ, और यस वैसे ही अपलोड करूँ जैसे मैंने पॉलिटेक्निक में अपलोड किया पूरा। ये भी कोई बड़ा सिलेबस नहीं, आप देख सकते हैं पावर सिस्टम में केवल 10 वीडियो लेक्चर, मतलब आई थिंक 40 से 50 वीडियो लेक्चर में ये हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आई विल ट्राई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई सेल्फ कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को बनाने में कामयाब रहूँ। और कामयाब क्यों नहीं रहूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली मैं भी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो लास्टली थैंक यू।